जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताएं जिनका आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयसिंहपुर में हुआ। इस प्रतियोगिता में शिक्षा खंड नगरोटा सूर्या के अंतर्गत आते राजकीय उच्च विद्यालय नंदपुर भटोली के छात्र अयाज हुसैन ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 48 किलो भार वर्ग मुकाबले में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। खेल नियम के अनुसार 3 राउंड में होने वाले इस मुकाबले को अयाज द्वारा मुक्केबाजी के पहले राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त बना ली। अयाज के आक्रामक और जोशीले प्रदर्शन को देखते हुए प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने खेल से क्विट कर लिया, जिससे कि प्रतियोगिता पहले चरण में ही पूरी हो गई और अयाज को विजेता खिलाड़ी घोषित कर दिया गया। अयाज हुसैन द्वारा इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया गया। वहीं राजकीय उच्च विद्यालय नंदपुर भटोली के मुख्य अध्यापक राकेश धीमान द्वारा अयाज हुसैन की सफलता का पूरा श्रेय अयाज के माता पिता और समस्त स्कूल स्टाफ को दिया गया। मुख्य अध्यापक राजेश धीमान द्वारा इस शानदार उपलब्धि पर अयाज हुसैन के माता पिता को बधाई दी और अयाज हुसैन के उज्जवल भविष्य की कामना की गई तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आगे इस छात्र का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो कि जिला ऊना में आयोजित होने जा रही है। ये जो स्कूल है ये नगरोटा सूर्या ब्लॉक के अंडर आता है। यहाँ के एक लड़के ने जिसका नाम है अयाज हुसैन अंडर 14 में गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में हासिल किया है। ये बच्चा एक सामान्य परिवार से आता है। इस बच्चे ने अंडर 14 टूर्नामेंट जो कि जयसिंहपुर में हुआ उसमें बॉक्सिंग में अंडर 14 टूर्नामेंट में 48 केजी के किलोग्राम के भार में इसने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये इलाके के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खंड नगरोटा सूर्या के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं इलाका वासियों को अपनी ओर से अपने स्टाफ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। इसके माता पिता को भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ का जो स्कूल का स्टाफ है ये भी बधाई के काबिल है। इसने बच्चे ने बहुत मेहनत की और अपनी मेहनत से आज ये इस मुकाम तक पहुँचा है। इसमें इसके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आगे आने वाले भविष्य के लिए इस बच्चे को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये बच्चा आगे जो स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा और उसमें भी ये जरूर कोई ना कोई गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा, अपने स्कूल का और अपने इलाके का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।